चौराहे पर सूरतपुर में कोई हमारी थोड़ी जमीन होती तो वहां पर एक हम पेट्रोल पंप बनवाते और एक आलीशान जो है वहां पे चौपाल बनाते, वहां पर बैठ करके हमेशा रोज मौज मस्ती हुआ करते। मालिक, ये तो आपका सपना बहुत आसानी से हल हो सकता है। आसानी से? जो सपना हमारे दिल के अंदर मुद्दतों से बना रहा और बनने के बाद वो सपना टूट गया और दोबारा कह रहा है कि आसानी से हल हो जाएगा। मालिक, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। आप जानना चाहते तो सुनिए, आप ही के गांव में जो मीना देवी रहती है वो बेवा विधवा? हाँ, वही विधवा। तो उसकी मेन चौराहे पे 2 एकड़ खेती है। मीना देवी की मेन चौराहे पर 2 एकड़ जमीन? जानते हो तुम भी, अगर वो जमीन किसी प्रकार से आपके हाथों हाथ आ जाए तो एक पेट्रोल पंप भी बन जाएगी और अच्छी खासी चौपाल भी बन जाएगी। लाला, यदि ये बात है तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और ये मालिक क्या? सुनो मेरी बात। और लाला मेरी बात को और सुनिए देकर, देवी के मकान पे जाओ और मोह मांगी कीमत देने के लिए तैयार करो, उसे बातों में बहका फुसला करके राजी करो। हर हालत में वो 2 एकड़ जमीन मेरे नाम होना चाहिए। ठीक है मालिक, जो आपकी इजाजत है। और हुकुम बजाने
ठीक है ठीक है ठीक है लाला, जा करके उसे पहले बातों में बहकाओ फुसलाओ, ठीक है, किसी तरह से उसको राजी करो, जैसे भी राजी हो जाए और जिस कीमत उसकी मोहमांगी कीमत में दूंगा, परंतु वो 2 एकड़ जमीन मुझे मिलना चाहिए। ठीक है जा सकते हो, राम 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 राम। अब जमीन आपके नाम होनी नौकर, तब तक तुम भी लाला के साथ में जाओगे, जो बातें लाला से नहीं बन पा रही है तुम तो वहाँ पर आया जाए करते हो, अरे जाते हैं और जा करके उसको खूब पढ़ाओ खूब बहकाओ और वो 2 एकड़ जमीन मुझे मिलना चाहिए। अच्छा मालिक, राम राम। ठीक है जा सकते हो, राम राम। अब ये हमारे दोनों नौकर उस मीना देवी लाल के वहाँ जा चुके हैं, जा करके मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये बातों में उसे बहला कर फुसला कर और 2 एकड़ जमीन वो हमारे हक में जरूर हो जाएगी। जब तक मेरा लाला मुनीम नहीं आता मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। ये रहे पटना जिला बिहार रियासत सूरतपुर के चंडैल जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह और इनका दाहिना हाथ लाला बिहारी लाल। अब देखे वही सूरतपुर गांव की निवासी जिनका नाम है मीना देवी, आप लोगों के सामने मीना देवी आती है जिनके 2 बेटियां, बड़ी बेटी का नाम है गंगा और छोटी बेटी का नाम है रेखा। गंगा तो अपने ननिहाल में रहती है, आप लोगों के सामने मीना देवी पेश होती है और देखो क्या बातचीत करती है। छोटी वाली लौड़िया हमार देखभाल करती है लेकिन बड़ा टाइम हुई का लौड़िया बनाई आई है। ओ लौड़िया जय हे माँ, माँ आई बताओ बात की क्या मैया, बहुत ही उदासी दिखी थी हो। Bye.
सत्य बताइबा। हाँ अरे बताऊ क्या तुम्हें देती मैं तू दास तुम्हारे कितनी जोर बुखार है और दवाई भी नहीं खा सकते तुम।
बोलो माँ क्यों नहीं खाती हो दवाई? दवाई खाई थी ना बिटिया, खाई थी उतर जा तो फिर आ जा छोड़ छोड़ बिटिया आवत है बुखार। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से दवाई लेकर आई हूँ मेडिकल पर से, तुम इसी जगह बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए और साथ में दवाई लेकर आ रही हूँ। जल्दी पोत लगा दवाई। ठीक है माँ बैठो। राम राम काकी। अरे काकी बहुत गर्म हो तुम। अरे साले बुखार उखार काकी के होगा? अरे बुखार आवत है, काकी का दवाई ना लई रहा। अरे दवाई लौड़िया लाई रहा है भैया, लई रहा है दवाई खाई के उतर जात फिर आई जात छोड़ छोड़ पूत आवत बुखार छोड़ी छोड़ी आवत है। हां भैया बुढ़ापा में आपौ तो बहुत करती काकी। अरे अरे काकी, अरे खांसी आ रही है बहुत बड़ा फायदा तुम्हारा हुआ काकी। बात है कौन भैया सलाह बताओ। पर नाव परी है परी रहा इधर जमीन ना बची बा जमीन भी आ चो बूढ़ा
नौकर, हमें लगता है सीधी अंगुरी से नहीं घी निकलेगा रे। तो जब जानते हो सीधी अंगुरी घी नहीं निकल, तो अंगुरी टेढ़ करो घी निकाल लो। काकी या जमीन हमारे ठाकुर साहब के नाम कर दो, नहीं तुमको तो बहुत एक चले जाओ ना, जान ले नी की नाई गुजरी तुमका बताए दे। जमीन तो लिखबाई करी आओ, नी जब लिखाओ लिखबाई करी आओ, नाम तो मत भूल। माता जोत वाली काकी चेहरे का
है मालूम तो क्या कहूं मालिक मुझसे कुछ न चाहता शगा दूंगा तो जिंदगी भर साली खून के आंसू रोएगी। लाला मालिक तुम तो जानते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारी रियासत में 2 साल पहले जो कत्ल हुआ था, मधैया का कत्ल हुआ था मालिक, वो कत्ल किसने करवाया था? किसने मालिक? वो कत्ल आपने करवाया था। कत्ल किया किसने था? किसने मालिक? हमारे दोस्त अमित राजवंशी ने। ये मालिक अमित राजवंशी कौन है? हमारा दोस्त है। दोस्त है लेकिन तुम्हें मालूम इसलिए नहीं है। हा? उस केस में ले दे करके हम तो किसी तरह से छूट गए। छूट गए लेकिन हमारे दोस्त अमित राजवंशी को 2 साल की सजा हो गई। 2 साल की सजा बंद है क्या? नहीं नहीं अब नहीं, सजा के उसके 2 साल पूरे हो गए। अभी कल ही तो छूट करके वो जेल से आया है। छूट ही आया है? ऐसा करो नौकर मालिक, तुम तत्काल जल्दी दौड़ करके जाओ। हाँ। और हमारे दोस्त अमित राजवंशी को चौपाल पे बुला के लाओ। हाँ, कह देना कि तुम्हें मालिक बिरेंदर सिंह ने बुलाया है। लाला तुम बैठो।